हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डी के राठी ऑनलाइन क्लासेस। आज मैं आप लोगों को 19 नवंबर की जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यू है वो आप लोग कराऊंगा। और ये जो मैं प्रिपेयर करता हूँ, ये मैं जो नेशनल न्यूज़पेपर्स हैं भारत के उनके आधार पर तैयार करता हूँ। तो और साथ ही जो मेरा अनुभव है एक टीचर के तौर पर इतने साल बच्चों को पढ़ाने के आधार पर, उस आधार पर मैं प्रिपेयर करता हूँ। हो सकता है करंट अफेयर्स में किसी के निधन के बारे में या किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में आए कि जो आपको लगता हो आज ये न्यूज़ थी और सर ने नहीं दिया, वो परीक्षा उपयोगी नहीं है, इसलिए मैं उनको नहीं प्रोवाइड कराता। आज की सबसे पहली न्यूज़ है कि भारत के जो मुख्य न्यायाधीश है सुप्रीम कोर्ट के रंजन गोगोई, उन्होंने भगवान वेंकटेश्वर के प्रसिद्ध मंदिर तिरुपति के दर्शन करें। देखिए, तिरुपति जो मंदिर है इसको तिरुमला मंदिर भी कहते हैं, इसको तिरुपति बालाजी के नाम से भी जाना जाता है। और हमारे दक्षिण भारत के आंध्र प्रदेश राज्य के दक्षिणी हिस्सों में जहाँ चित्तूर पड़ता है वहाँ पर ये स्थित है। मैंने इसके अंदर जो आपको एमसीक्यू दिया है वो ये दिया है कि ये जो मंदिर है ये कौन सी पहाड़ियों में स्थित है। ये इस बार के 2018 के जहां तक मुझे ध्यान आ रहा है यूपी पीसीएस के अंदर क्वेश्चन आया कि कौन सी पहाड़ियों में स्थित है। दक्षिण भारत के अंदर कई सारी पहाड़ियां हैं जिनके नाम एग्जामों के अंदर इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। जैसे मैं आपको यहां पर मैप दिखाता हूं, इस बार मैंने पीडीएफ में दूसरे नंबर के पेज पर आप लोगों को ये इंडिया का मैप भी दिया है। ये आज मैंने जानबूझकर दिया है ताकि आप लोग जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं आप लोग ये ध्यान रखें कि कौन सा राज्य है, किसकी सीमाएं किसके साथ में मिलती है, वो सारे मैंने इसमें दे रखे। आप लोग जरूर इसको याद करने का प्रयास करें। प्रतिदिन ये कीजिए कि जैसे दक्षिण भारत के राज्य हैं इन्हें ध्यान दीजिए कि दक्षिण भारत के जो राज्य हैं वो किस आधार पर, कौन सा राज्य किसके साथ में सीमाएं लगती हैं, इनको जरूर आप लोग करते रहिए। अब देखिए, इसमें मैंने जैसे आंध्र प्रदेश दिया हुआ है तो आंध्र प्रदेश का जो दक्षिणी हिस्सा है असल में ये पहाड़ी है जिसे कहते हैं पूर्वी घाट। ऐसे ये ईस्टर्न घाट पहाड़ियां हैं जो नीचे तक यहां तक जाती हैं। इन्हीं ईस्टर्न घाट पहाड़ियों में एक पहाड़ी है तमिलनाडु आंध्र प्रदेश में, इसका नाम है शेषचलम पहाड़ियां। इन्हीं शेषचलम पहाड़ियों का हिस्सा है तिरुमल पहाड़ियां, यहां पर तिरुमल, और ये जो तिरुपति बालाजी है ये यहीं पर ही स्थित है। अगली जो न्यूज है तो यहां पर हमारा आंसर आ गया तिरुमला, और मैंने नीचे आंसर भी दे रखे हैं। नीचे देखिए, ये मैंने आंसर नीचे दे रखे हैं। मैं थोड़ा वर्गीकरण आंसर नहीं लिख पाया लेकिन आप समझ जाएंगे, पहले का आंसर चौथा है। इसके बाद है लक्ष्य सेन के बारे में। लक्ष्य सेन भारत का युवा उभरता हुआ बैडमिंटन खिलाड़ी है और हाल ही में कनाडा के अंदर विश्व जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप का आयोजन किया गया। हालांकि ये विश्व में नंबर एक रैंकिंग के रह चुके हैं और फिलहाल ये विश्व में नंबर तीन रैंकिंग पर है, तो इन्होंने कांस्य पदक जीता है। ये अभी करंट की न्यूज है। और मैंने यहाँ पर खेल पूछा है आपसे, तो खेल है बैडमिंटन, तो ध्यान रखना उत्तराखंड के युवा उभरते हुए खिलाड़ी हैं जो विश्व के नंबर एक युवा खिलाड़ी के रूप में भी रैंकिंग प्राप्त कर चुके हैं। नेक्स्ट हो गया यंगून। यंगून जो है वो म्यांमार की राजधानी है। म्यांमार जिसे पहले बर्मा के नाम से जाना जाता था, वह विश्व बैलियर्ड चैंपियनशिप का आयोजन किया गया और भारत के एक महान खिलाड़ी हैं, छोटी सी आयु है इनकी अभी अगर हम दूसरे खिलाड़ियों से तुलना करें, और उसके बावजूद इनकी उपलब्धियां इनकी उम्र से भी ज्यादा प्रतीत होती हैं। इनका नाम है पंकज आडवाणी। पंकज आडवाणी ने हाल ही में विश्व बिलियर्ड चैंपियनशिप में रैपिड और सामान्य दोनों श्रेणी में खिताब जीतकर अपने कुल विश्व प्रतियोगिताओं को जीतने की संख्या को 21 प्राप्त किया है। अगला पॉइंट है पूर्वी एशियाई सम्मेलन, जैसे मैंने यहां दे रखा है, ये नाम भी लिख रखा है। ये सम्मेलन हाल ही में आयोजित किया गया, अभी की तो खबर नहीं है लेकिन मैं कुछ चीजें, जरूरी नहीं 18 तारीख को ही घटित हुई हो, मैं दूसरी भी दे देता हूं जहां मुझे लगता है कि ये खबर जो है आज की तारीख में फिर से चर्चा में है और मुझे बताना। तो यहाँ पूर्वी एशियाई शिखर सम्मेलन है। असल में पूर्वी एशियाई का मतलब हो गया कि एक समूह है आसियान के नाम से, ये आसियान है जो 10 देशों का एक समूह है। और आप ध्यान रखिए, हमारे यहाँ पर 2018 में जब गणतंत्र दिवस परेड का आयोजन किया गया था तो आसियान के 10 के 10 देशों के राष्ट्राध्यक्ष को आमंत्रित किया गया था मुख्य अतिथि के रूप में। तो ये वो आसियान समूह है और इसका
खबरें इसलिए हैं और हमने क्यों इनको गणतंत्र दिवस में मुख्य अतिथि बनाकर बुलाया, इसलिए था क्योंकि भारत की एक नीति है, नीति शुरू करी गई थी जिसे नरसिम्हा राव जब प्रधानमंत्री थे 1991 में उन्होंने शुरू किया था, पूरब की ओर देखो नीति, लुक ईस्ट पॉलिसी। मोदी जी ने 2014 में आने के बाद कहा हमें केवल देखना नहीं है, हमें करना है, तो इसे नाम दिया गया एक्ट ईस्ट पॉलिसी। इसके अंतर्गत भारत के जो पड़ोसी पूर्वी देश है, ये हमारा पूरा पड़ता है, तो इन देशों के साथ व्यापार को बढ़ावा और इनके साथ संबंध प्रगाढ़ करने के लिए शुरू हुआ। तो आसियान इसलिए हमारे भारत के सामरिक दृष्टि का जो क्षेत्र है उसके अंदर बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि चीन के आसपास के सारे देश है। देखिए आप, चीन के चारों तरफ है ये देश जिनके नाम इंग्लिश के अंदर लिखे हुए हैं, इनमें 10 देश जो है वो तो आसियान के हैं और 8 देश अन्य हैं जो ईस्ट एशिया समिट के अंदर हिस्सा लेने के लिए इस सम्मेलन में भाग लेते हैं। वे 8 देश कौन से? यूएसए, रशिया, इंडिया, चाइना, दक्षिण कोरिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। तो आप देख रहे हैं यूएसए, यहां से आप काउंट करेंगे 1 और ऐसे ऐसे काउंट करते हुए चलेंगे तो कुल मिलाकर ये बैठेंगे 8 देश। तो ईस्ट एशियाई समिट जो है ये 18 देशों का एक सम्मेलन आयोजित होता है और हाल ही में ये सम्मेलन सिंगापुर में आयोजित किया गया। मैंने आपको कल के एमसीक्यू में देखा आया था कि जो पेन थे वो कौन से देश से संबंधित है, तो वो आपने पढ़ा था कि वो अमेरिका के उपराष्ट्रपति थे, तो उनके साथ जो मीटिंग हुई वो भी सिंगापुर में हुई, क्योंकि मोदी जी वहां पर ईस्ट एशिया समिट या पूर्वी शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए गए थे। अगली न्यूज है केंद्रीय आयुष मंत्री कौन है। असल में ये न्यूज जो है वो जुड़ी हुई है अगले वाले इस पॉइंट से, ये 6th को पहले बता देता हूं मैं। 6th में क्या है कि भारत के अंदर इस साल से क्या, आज ही न्यूज़पेपर में आया कि कल से ये नए दिवस यानी कि 18 नवंबर जो था उसे अब एक अन्य दिवस के रूप में मनाया जाएगा, प्राकृतिक चिकित्सा दिवस यानी कि नेचुरल मेडिसिन डे। असल में ये जो एलोपैथी है जो पश्चिमी देशों से रासायनिक क्रियाओं के द्वारा बनी गई दवाइयों का प्रक्रिया है, इसमें व्यक्ति बीमार होने के बाद ही इन दवाइयों से इलाज प्राप्त करता है, लेकिन भारत की जो हमारे यहाँ जो प्राकृतिक पद्धतियाँ हैं जिनका प्रयोग हमारे यहाँ दक्षिण भारत से लेकर और हिमाचल प्रदेश तक क्षेत्रों में हुआ है, उनको बढ़ावा देने के लिए एक मंत्रालय बनाया गया जिसका नाम है आयुष। आयुष के अंदर ये इंग्लिश के 5 वर्ड आते हैं। ए का मतलब हो गया आयुर्वेद, वाई का मतलब, आयुर्वेद तो आप जानते ही हैं, आयुर्वेद के जो जनक हैं उसमें चरक का नाम आता है और उनके परम शिष्य का नाम आता है और एक और नाम आता है जो प्रसिद्ध आयुर्वेदाचार्य धन्वंतरी। और करंट अफेयर्स में नवंबर में यह है कि 5 नवंबर को इस साल हमारे यहाँ आयुर्वेद दिवस मनाया गया, 5 नवंबर को। तो ये 5 नवंबर को आयुर्वेद दिवस किनके उपलक्ष्य में मनाया जाता है, ये धन्वंतरी की जयंती। धन्वंतरी भी प्राचीन काल के एक आयुर्वेदाचार्य थे। दूसरा नंबर आता है योगा। योगा जो है जब हम शरीर को साधते हैं, शरीर स्वस्थ रहता है तो मन भी स्वस्थ रहता है। जैसे इंग्लिश में कहावत है इन अ हेल्दी बॉडी रिजाइड्स अ हेल्दी माइंड, तो इसलिए योग के द्वारा जब हम अपने शरीर को साधते हैं तो उसके साथ साथ हमारा मस्तिष्क भी सत्ता है, एकाग्रता और ध्यान देने की क्षमता वो बढ़ती है, तो जीवन में जो सफलता है वो हमारे मन की शांति के साथ जुड़ी हुई है। यदि किसी का मन शांत होगा, धैर्यवान होगा तो वो बेहतर प्रदर्शन करेगा। तो योग के द्वारा जब हम अपने शरीर को साधकर शांत करते हैं तो बदले में हमारा मन भी शांत होता है, इसलिए विकार जो है, बीमारियां वो मन से शुरू होती हैं, वो शरीर पर बाद में आती हैं। तो जो स्वस्थ रहेगा वो हमेशा 24 घंटे महसूस करेगा कि मैं स्फूर्तिवान और स्वस्थ हूं, इसलिए वो रोगों से दूर रहेगा। यूनान जो है ये भी पद्धति है, ये यूनानी पद्धति ईरान से भी जुड़ी हुई है और ये पद्धति जो है वो पश्चिमी देशों की भी, ये भी प्राकृतिक पद्धति जैसे आयुर्वेद है वैसे ही यूनानी। इसके बाद सिद्ध जो है हमारे दक्षिण भारत के अंदर है। जब आप पढ़ेंगे संगम काल तो संगम काल के दौरान आप देखेंगे कि संगम काल के अंदर जो बैठक हुई थी उनमें एक बैठक जो थी उसकी अध्यक्षता करी थी ऋषि अगस्त्य ने।
ये अगस्त्य, तो इन्हीं को हिंदी में अगस्त, तो इन्हीं को माना जाता है सिद्ध का जनक। तो हमारे तमिलनाडु राज्य से इसकी शुरुआत है। और एक है होम्योपैथी, होम्योपैथी की शुरुआत जर्मनी से है, और हेनिमैन, इन्हें माना जाता है आयुर्वेद का होम्योपैथी का जनक। तो मंत्री का नाम श्रीपाद नायक है, केंद्रीय आयुष मंत्री। और जो 21 जून को हर साल हमारे यहां पर योग दिवस मनाया जाता है, वो आयोजन भी आयुष, इस आयुष विभाग के द्वारा ही आयोजित किया जाता। और प्राकृतिक चिकित्सा दिवस में आएगा 18 नवंबर। इसके बाद अगली न्यूज है कि महाराष्ट्र में मराठों को कितने प्रतिशत आरक्षण, तो 16%। तो आरक्षण में महाराष्ट्र में पहले ही 52% का आरक्षण है, किसके लिए? एससी, एसटी और ओबीसी के लिए। अब मराठों के लिए अलग से वहां 16% का आरक्षण कर दिया गया, तो कुल मिलाकर आरक्षण की जो सीमा है वो बढ़कर होगी है 68। इससे ज्यादा आरक्षण जो है केवल तमिलनाडु में है, जहां 69% आरक्षण प्रदान किया गया। अब आरक्षण कैसे है, या जो हमारे इंदिरा सानी केस हुआ था सुप्रीम कोर्ट में 1992 में, उसमें कहा था 50%, तो ये थोड़े से अलग मुद्दे हैं, उनको मैं समय मिलने पर आपके साथ चर्चा जरूर करूंगा। अगला है वेस्ट इंडीज में T20 वर्ल्ड कप क्रिकेट चल रहा है, और आज खबर आई कि भारतीय टीम ने ऑस्ट्रेलिया को भी पराजित कर दिया, जो कई बार वर्ल्ड चैंपियन रह चुकी है। तो भारत का प्रदर्शन बहुत बेहतरीन, लड़कियों ने कमाल का प्रदर्शन वेस्ट इंडीज में जारी रखा है। और ऐसी एक और बड़ी खिलाड़ी, बड़ी टीम है न्यूजीलैंड, उसकी एक खिलाड़ी है जिसका नाम दे रखा है सूजी बेट्स, यहां पर दे रखा है सूजी बेट्स, थोड़ा मैं बड़ा करूं इसको ऐसे। सूजी बेट्स का जो कारनामा है वो इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि महिला और पुरुष दोनों में ही T20 में 3000 रन बनाने वाली वो पहली खिलाड़ी बन गई है। पुरुष खेल प्रतियोगिता में या पुरुष वर्ग में भी किसी ने अभी तक इतने रन नहीं बनाए। कौन से देश की खिलाड़ी है? ये ओपनर है न्यूजीलैंड की। अगला हो गया विश्व टॉयलेट दिवस। ये विश्व टॉयलेट दिवस कब मनाया जाता है? तो आज 19 नवंबर को विश्व टॉयलेट दिवस मनाया जाता है। 2013 से इसकी शुरुआत करी थी ताकि इससे संबंध में लोगों में जागरूकता पैदा की जा सके। और भारत में जो सबसे बड़ा नाम आता है इस क्षेत्र में कम से कम ये टॉयलेट के निर्माण में, तो आप नाम आएगा बिंदेश्वर पाठक। ये बिंदेश्वर पाठक है जो पूरे देश के अंदर सुलभ शौचालय, ये जो सुलभ शौचालय करके जगह जगह हिंदुस्तान में अलग अलग शहरों में ये जो टॉयलेट बनाए गए हैं ये सुलभ शौचालय है, जिसके मुखिया है बिंदेश्वर पाठक। मैं उनका फोटो आपको दिखाता हूं, यहां फोटो में देखिए, ये भारत के वो महानायक है जो जिनके काम को इस तरीके से शायद सराहना ना मिलती हो जैसे हम क्रिकेट खिलाड़ियों को या किसी प्रतियोगिता में जीतने पर मिलते हैं। बिंदेश्वर पाठक जो है, ये बिंदेश्वर पाठक, इनकी उपलब्धि इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जो स्वच्छता का अभियान है जिसको अब मोदी जी ने 2014 में शुरू किया था, ये बहुत युवावस्था से ही पूरे देश के अंदर इस अभियान को चला रहे हैं, इसीलिए कई सारे पुरस्कार इस साल इन बिंदेश्वर पाठक को प्रदान किए गए। आखिरी जो न्यूज है वो है एक और बहुत बड़ा कारनामा। मैं इसलिए इनको कारनामा कहता हूं क्योंकि जो सामान्य जनता के लिए कोई ऐसा काम करे और वो भी युवावस्था में, जैसे दो लड़कों का मैंने फोटो दिया, अर्चित अग्रवाल और हेरी सहरावत, दो आईआईटी दिल्ली के हैं, जिन दो बच्चों ने हाल ही के अंदर एक डिवाइस बनाया। डिवाइस क्या, एक प्रकार का वो यंत्र बनाया है जिसकी मदद से जैसे कई जगह टॉयलेट गंदी होने पर महिलाएं जो हैं वहां बाथरूम नहीं जा सकती, पुरुष तो खड़े होकर टॉयलेट कर लेते हैं लेकिन महिलाओं के लिए दिक्कत आती है, तो इन्होंने एक ऐसा उपकरण बनाया है जिसमें महिलाएं खड़े होकर टॉयलेट कर पाएंगी। यहां पर देखिए, जैसे इस फोटो में भी आपको दिखाई दे रहा होगा, तो यहां जो मैंने फोटो दिया है ये, तो यहाँ पर खड़े होकर टॉयलेट किया जा सकेगा। और वो जो इन्होंने बनाया है उसका नाम है सेन फी, यानी कि सेनेटरी फीमेल्स के लिए। ये देखिए,
तो इसका आंसर आएगा पहला। यहाँ एक चीज और मैं बताता चलूं कि जैसे इन दो स्टूडेंट्स का नाम है हैरी सरावत, ये लिखा है हैरी सावत, अर्चित अग्रवाल, तो ऐसा नहीं है आईआईटी में जाने के बाद ही हम ऐसे काम कर सकते हैं। अगर किसी के मन में इच्छा है और वो चाहता है कि मैं समाज की भलाई के लिए कुछ काम कर सकूं, तो वो जिस जगह पर है, अगर किसी गांव में भी है, कहीं आदिवासी बच्चा भी है, तो वह भी वो कर सकता है। तो इसीलिए मन में धारणाएं कभी ना बनाए कि किसी संस्थान में जाने के बाद ही आप इस तरीके के भलाई के काम कर सकते हो। ऐसे विद्यार्थी अपने घर में रहकर किसी भी क्षेत्र में कहीं भी रहने पर अगर उनके मन में ऐसी है कि वो महिलाओं की इस समस्याओं को, जैसे इनके मन में जो भी विचार आया या इन्हें समस्याओं को देखा जब ये समाज के अंदर गए, तो इसलिए इनके मन में आया कि वो ऐसा काम करे, और जो भी समाज की भलाई का काम करेगा उसको पुरस्कार अवश्य मिलेगा। चाहे जैसे आज मैं आपको न्यूज़मैन का पढ़ा रहा हूँ, आईआईटी में बहुत सारे बच्चे होंगे और आईआईटी में ऐसे भी बहुत सारे स्टूडेंट होंगे जो बहुत पैसा कमाएंगे, जो बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियों के अंदर बड़े उच्च पदों के ऊपर अच्छी तनख्वाह प्राप्त करेंगे, लेकिन जो कारनामा इन बच्चों ने दिखाया ये इनको विशिष्ट प्रदान करेगा। और सफलता एक आदत है, जब किसी को आदत पड़ेगी तो वो लगातार सफलताओं को प्राप्त करेगा। तो जो इन दो बच्चों ने काम किया है ये जीवन में कभी नहीं रुकेंगे, ये कोई ना कोई ऐसा काम जरूर करेंगे जिससे आम जनता को फायदा होगा। और ये जो नैपकिन है, ये डिस्पोजेबल नैपकिन होता है, या इसे नैपकिन ना कहें, यंत्र कह ले किसी को, ये जो यंत्र या डिवाइस है ये डिस्पोजेबल है और मात्र 10 रुपए के अंदर ये, तो एक बार इस्तेमाल करके इसे थ्रो किया जा सकता। इसके अलावा बच्चों मैंने नीचे की तरफ आप देखेंगे तो मैंने ये न्यूज, ये मैप दिया हुआ है। आप ये कीजिए कि डेली का एक नियम बना लीजिए, जिसको मैप याद नहीं है कि कौन कौन से राज्यों की सीमाएं किसके साथ, जैसे डीपी कांस्टेबल में आ गया, क्या मणिपुर की सीमाएं त्रिपुरा से लगती है, या इधर एक देश पड़ेगा म्यांमार, इसकी सीमाएं कितने राज्यों से लगती है। इस तरीके से पहला आप बेसिक करिए कि सारे के सारे ये जो राज्य है किसकी सीमाएं किसके साथ, जैसे उत्तर प्रदेश के बारे में पढ़ते हैं कि उत्तर प्रदेश की सीमाएं सबसे ज्यादा 8 राज्यों के साथ लगती हैं, तो उन राज्यों को देखिए यहाँ पर कौन कौन से राज्य हैं जिनके साथ में यूपी की सीमाएं, सबसे लंबी सीमा किसके साथ। इस तरीके से आप होमवर्क भी करते हैं। आज की क्लास मैं ओवर करता हूँ और ये जरूर ध्यान रखिए इस नंबर के ऊपर 9758702006 इस पर आप लोग मैसेज कर दीजिए, और इस मैसेज पर आप अपना नाम और जगह का नाम अपना नाम और जगह का नाम लिखिए, मैं आपको ग्रुप में ऐड करूँगा। मैं टेलीग्राम के ऊपर भी काम कर रहा हूँ ताकि टेलीग्राम की जो चैट है उसको भी मैं शुरू कर सकूँ, लेकिन थोड़ा सा मैं चाह रहा हूँ उसके बारे में ये रहे कि मैं चाहता हूँ कि मैं जो मटेरियल प्रोवाइड कराना चाहूँ केवल वही आप लोगों को मिले। असल में क्या है, आप में से बहुत विद्यार्थी मेरे पास मटेरियल भी भेजते हैं और मैं उनका थैंक्स भी देता हूँ कि आप लोगों ने वो मटेरियल मेरे को भेजा ताकि मैं ग्रुप में भेजूँ, लेकिन एक अनुभवी टीचर होने के कारण मैं उन चीजों को जब देखता हूं तो मुझे ऐसा नहीं प्रतीत होता कि मैं उसको डालूं। हाँ, कुछ ऐसा है जैसे नोटिफिकेशन आया यूपी के अंदर एग्जाम होने वाले, तो उसके बारे में आप देखिए, उसके बारे में मैंने वो जरूर दे दिया और मैं तो आभार भी प्रकट करता हूं। जैसे सारी न्यूज में बनाता हूं तो ये न्यूज जो है न्यूज़पेपर्स है, हिंदुस्तान टाइम्स है, नवभारत टाइम्स है, इंडियन एक्सप्रेस है, ये सारे मैं उनका आभार प्रकट करता हूँ कि उनके आधार पर ही मैं ये न्यूज़ आप तक प्रोवाइड करा रहा हूँ। तो जो बच्चे मुझे मटेरियल भेजते हैं मैं उनका आभार प्रकट करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ, लेकिन मैं वही मटेरियल प्रोवाइड करा पाऊँगा जो मुझे लगता है ये इस हिसाब से है कि उससे आपको लाभ होगा। आप लोगों को आज के दिन की शुभकामना और प्रभु को धन्यवाद कि उसने मुझे मौका दिया कि मैं आप लोगों को संबोधित कर सकूं।